अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण दिसंबर में पूरा होने की संभावना है। मंदिर के गर्भगृह का निर्माण भी शुरू हो गया है। इन्हीं निर्माण कार्यों का जायजा लेने रविवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर श्री राम लला की पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राम लला के दर्शन, आरती और परिक्रमा की। सीएम ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति भी जानी, जिसके बाद सीएम राम जन्मभूमि परिसर से पैदल ही जन्मभूमि पथ पहुंचे, जहां जन्मभूमि पथ पर लगाए गए मार्ग के डिस्प्ले का जायजा दिया, जिसके बाद अधिकारियों से मार्ग में लगाए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता और आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी को चंपत राय ने निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण में लगे मजदूरों से भी हालचाल पूछा। गौरतलब है कि मंदिर का 70% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि परिसर से पैदल ही जन्मभूमि पथ पर पहुंचे, जहां जन्मभूमि पथ पर लगाए गए मार्ग के डिस्प्ले का जायजा लिया, जिसके बाद अधिकारियों से मार्ग में लगाए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता और आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। जन्मभूमि पथ पर यात्री सुविधाओं के बारे में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से हाल जाना। इसके बाद सीएम योगी ने टेढ़ी बाजार में बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। आपको बताते चलें कि आज से 6 साल पहले 19 मार्च को ही योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभाली थी। सीएम का साल 2023 में अयोध्या में पहला दौरा है। इससे पहले 27 नवंबर 2022 को वो आए थे, जहां शहर के विकास कार्यों का जायजा लिया था। वहीं एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने 18 मार्च को काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई थी और आज अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी को स्मृति चिन्ह दिया। Thank you.